जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं कुंडली विशेषज्ञ हूँ, मैं जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देख कर आप अपने ग्रहों की स्थिति जो खराब है, जिस वजह से आपकी लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वो कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिनको कर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सकते हैं, वो बताते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अब वीडियो की शुरुआत करती हूँ, और आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी आप सभी से मिथुन राशि के लोगों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए मई का मंथ क्या खास लेकर आया है? देखिए, मिथुन राशि के लोगों के लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण है कि राहु और बृहस्पति आपके 11वें घर में है, और शुक्र और बुध भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। वहीं इस मंथ करियर का ग्रह कहे जाने वाले, यानी कि कर्म फलदाता कौन? हमारे शनिदेव। तो हमारे शनिदेव भाग्य स्थान में होंगे, और इसके प्रभाव से आपको इस मंथ कुछ बेहतर रिजल्ट मिलने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। आप जो बहुत लंबे समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो इस मंथ वो वेट आपका पूरा हो जाएगा। देखिए, आमतौर पर फ़ायदा पहुंचाने वाला ग्रह यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें घर में है, जिसके असर से मिथुन राशि के लोगों को पैसे कमाने के बहुत से अवसर प्राप्त होने वाले हैं इस मंथ में। आप देखेंगे कि आपको नई नई जगह से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो ये मंथ आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपको नई नौकरी मिलने की भी संभावनाएँ बनेंगी। इसके अलावा आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, तो आपके लिए तो ये मंथ बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बस थोड़ा सा जो ध्यान देने वाली बातें होंगी वो ये कि देखिए, 15 तारीख के बाद से आपको करियर के मामले में कुछ और फायदे मिलने की संभावनाएं तो दिख रही हैं, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के अनुसार सूर्य, बुध, राहु और देवगुरु बृहस्पति के साथ 11वें घर में होने के कारण मिथुन राशि के लोगों को करियर में काफ़ी फायदे होने की संभावना है। लेकिन राहु साथ में है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास आपके अपने लोग आपसे ईर्ष्या कर आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो बस आपको यहाँ ध्यान रखना है। आप लोगों को अपनी नौकरी के माध्यम से विदेश यात्रा का भी बहुत अच्छा मौका मिल सकता है, और अपनी काबिलियत दर्शाने का भरपूर अवसर भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप मिथुन राशि के हैं और आप बिजनेस में हैं, बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको इस मंथ में काफ़ी सारे अनेक प्रकार के लाभ ही लाभ देखने को मिलेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभ इस मंथ में निश्चित तय है, 100% आपको लाभ मिलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस मंथ कोई नया बिजनेस पार्टनर मिल जाए, या कोई आपके काम से खुश होकर, आपके बिजनेस से खुश होकर इंटरेस्ट दिखाए कि वो भी आपके साथ जुड़कर आपके बिजनेस में आना चाहता है, और जिसके साथ बिजनेस करके आप अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये मंथ, तो अगर मैं मिथुन राशि वालों की बात करूं, तो आपके लिए बहुत ही गज़ब का है, बहुत ही बढ़िया है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है कि गुस्से से बचना है, गुस्से की मात्रा पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तरक्की होती है तो लोग जलते भी हैं। ऐसे में आपके कुछ अपने लोग ही आपके दुश्मन भी हो जाएंगे, लेकिन आपको उनसे दुश्मनी नहीं निभानी, आपको मस्त होकर अपने काम से काम रखना है। इसी के साथ ही 11वें घर में राहु के होने से आप लोगों को पैसे कमाने के अलग अलग अवसर प्राप्त होंगे। ये मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, कुछ भी हो जाए आप अपने काम पे, अपनी प्रगति पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लोग बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए ये मंथ बहुत ही बेहतर है। तो आप बेकार के चक्करों में पड़कर ना अपना बिजनेस मत खराब करिए। इस योग के साथ ही आपको कुछ छोटी छोटी जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वो बस यही है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके छठे घर के स्वामी के रूप में छठे घर से दूसरे घर में दृष्टि डालेगा, आप ऐसे समझो, या फिर मंगल छठे घर के स्वामी के रूप में दूसरे घर में होगा, जिसके प्रभाव से आपको पैसों से थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि इस घर में बैठा मंगल आपको
थोड़ा सा आपके हेल्थ इश्यूज की वजह से परेशानियां दे सकता है, या फिर मैं कहूँ फैमिली में किसी की सेहत ख़राब हो जाए जिस वजह से आप बिज़नेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो मतलब आपके पास ना इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप इनका भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सेहत वाइज अगर बोलूँ, मंगल आपको थोड़ा सा कंधों का दर्द की शिकायत या सर्वाइकल का प्रॉब्लम दे सकता है, और इसके अलावा रिश्तों में भी कुछ परेशानियां आते हुए दिख रही हैं। मंगल दूसरे घर में है, जिसके प्रभाव से आपको अपने पुराने वादों के कारण कई बड़े खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। अगर कुछ पुराना कमिटमेंट किया है तो उसको पूरा तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें घर में आपके लिए पैसे कमाने के नए और बेहतर अवसर लेकर आ रहे हैं, साथ ही वो इस पैसे को बचाने में भी सक्षम होंगे। आपकी जो लोग शादी करना चाहते हैं, शादी के लिहाज से समझें तो मिथुन राशि वाले लोगों को बृहस्पति और राहु के 11वें घर में होने से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उनकी शादी का संयोग बहुत ही बढ़िया बन रहा है, तो ये मंथ आप लोगों के लिए ना बहुत बढ़िया है। मैं कहूँगी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। खर्चे हो रहे हैं तो उससे भी मत घबराइए, खर्चा कर दीजिए, क्योंकि आप खर्चा करेंगे आपके पास पैसे भी आएंगे, लेकिन खर्चे से ये मतलब नहीं है कि आप अननेसेसरी का खर्चा करें। जिस खर्चे की ज़रूरत है उसी में खर्चा करिए, बेकार की चीज़ों में खर्चा मत करिए। उपाय के तौर पर ना एक बहुत छोटा सा उपाय मैं आप सबको बताती हूँ, बहुत ही ख़ास और बहुत छोटा सा उपाय है, जिसको करने से आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ये जो खर्चों का दौर एकदम से शुरू हो गया है, जिस वजह से आप थोड़ा घबराने लगेंगे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपने रोज़ाना सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है कि आप किसी भी मंदिर में जाइए, मंदिर में जाकर गणपति जी के सामने बैठिए, और वहाँ बैठकर आपने अपने हाथों को जोड़कर गाय के घी का दीपक जलाकर ओम गंग गणपतय नमः इसका 108 बार पाठ कर लीजिए। सुबह समय नहीं है तो शाम को कर लीजिए, लेकिन इसका पाठ 108 बार रोजाना करिए। बस इतना करना है, सिर्फ इतना करने से आप देखेंगे कि आपके जो थोड़े बहुत परेशान करने वाले ग्रह हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे, और ये मंथ आपके लिए सक्सेस से भरा पूरा मंथ होगा। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि मई का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहा। जय माता दी।